गुड इवनिंग। एसएससी सीजीएल 2018 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपने रिपब्लिक डे बहुत अच्छे से मनाया होगा और अब अपनी रूटीन स्टडीज में बिजी होंगे। 2018 के मार्क्स को लेकर सोशल मीडिया में बहुत शोर हो रहा है और वे कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स कम हैं इससे बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया के सारे डाटाज को कलेक्ट किया है और आपने कमेंट करके जितने मार्क्स बताए थे उन्हें भी कलेक्ट किया, उनकी एनालिसिस किया और उसके आधार पर मैं इस वीडियो में सीजीएल 2018 की टॉप 10 पोस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी इसके एनालिसिस की है और आई होप आप मुझसे एग्री करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसा कि मैंने वादा किया था 26 जनवरी 2020 को रिपब्लिक डे के दिन मैंने ई बुक पार्ट 1 जीएस पार्ट 1 की ई बुक को अपलोड कर दिया है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसे डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए और फिर बताइए कि और किन टॉपिक्स पर आप ई बुक चाहते हैं तो मैं वैसे ही तैयार करके आपके लिए प्रोड्यूस करूं। तो चलिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर जो डाटाज मिल रहे हैं उसमें कोई ये बता रहा है कि 2018 में टीयर 2 के बाद 550 प्लस मार्क्स लाने वाले 437 कैंडिडेट्स हैं, कोई ये बता रहा है कि 550 प्लस मार्क्स लाने वाले 500 कैंडिडेट्स हैं। यद्यपि आउट ऑफ 600 550 प्लस मार्क्स लाना अविश्वसनीय प्रतीत होता है और बहुत ही मुश्किल काम है, फिर भी मान लेते हैं कि ऐसे 500 कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स 2018 में 550 प्लस थे या टीयर 3 के बाद 600 प्लस होंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर में एसे का टॉपिक ऐसा था जिसमें कुल मिलाकर ऑन एवरेज 50-55 मार्क्स ही डिस्क्रिप्टिव में मिलेंगे। वैसे मैंने आपके मार्क्स के जो डाटास कलेक्ट किया था उसमें 1000 कैंडिडेट्स में मात्र 4 कैंडिडेट्स ही ऐसे मिले 1000 में अनरिजर्व कैटेगरी के मात्र 4 कैंडिडेट्स ऐसे मिले जिनके मार्क्स 550 प्लस थे। लेकिन मैं सोशल मीडिया की ही बात मानकर एनालाइज कर रहा हूं। फिलहाल मानकर कि चलते हैं कि 600 प्लस मार्क्स वाले 500 कैंडिडेट्स हैं। अब मैं 2017 की वैकेंसी कट ऑफ और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के आधार पर ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2018 में टॉप 4 पोस्ट की कट ऑफ क्या बनेगी। केवल इनकम टैक्स, MEA, ASO, इन रेलवे और AEO की बात कर रहा हूँ। 2017 में टॉप 5 पोस्ट पर, देखिए ये आपके सामने है टॉप 5 पोस्ट 2017 की। इनकम टैक्स में 110, ASO इन मीडिया 76, रेलवे 17, AEO 31, एग्जामिनर 87, CSS 192। मैं एग्जामिनर को छोड़ करके, क्योंकि उसके लिए विशेष फिजिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए, केवल IT, MEA, रेलवे, AEO और CSS में अनरिजर्व कैटेगरी के कुल 420 कैंडिडेट्स या ओवरऑल टोटल पर अगर हम कैलकुलेट करें तो 850 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो गए। अब ये कैंडिडेट्स इन पोस्ट को छोड़ करके दोबारा 2018 में कंटेस्ट करें, ये बात समझ में नहीं आ रही है। भाई जो इनकम टैक्स में चला गया, जो MEA में चला गया, जो ASO इन रेलवे में चला गया, जो AEO में सेलेक्ट हो गया, जो CSS में सेलेक्ट हो गया,
2017 में, तो वो 2018 में क्यों आएगा? अब इन 850 कैंडिडेट्स ने जिनका 2017 में सिलेक्शन हुआ है, निश्चित रूप से इन्होंने 2017 2018 का टीयर टू दिया होगा। ये 850 कैंडिडेट 2018 में अभी अपीयर हुए होंगे, और चूंकि ये अनुभवी थे, ये 2017 में भी अपीयर हुए थे और 2018 में भी पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम दिए, तो निश्चित रूप से 2018 टीयर टू के मार्क्स जो हैं वो काफ़ी हाई थे। और इसमें कुछ योगदान नॉर्मलाइजेशन का भी रहा। तो अब एक प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या ये कैंडिडेट जो 2017 में सेलेक्ट हो चुके हैं, क्या ये 2018 में कंटेस्ट करेंगे? और एक दूसरा प्रश्न ये भी पैदा होता है कि अगर ये कंटेस्ट भी करते हैं तो क्या ये टीयर फोर को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये तो अपनी ज्वाइनिंग के प्रोसेस में बिजी रहेंगे, इन्हें समय ही कहाँ मिलेगा, और इनको आवश्यकता क्या है कि इन अच्छी अच्छी पोस्ट को छोड़ करके और फिर जो है 2018 में फाइट करें। तो इस तरह से तो फिर 2018 में 600+ वाला कोई कैंडिडेट बचना ही नहीं चाहिए। 2018 में 600+ के कोई कैंडिडेट तो फिर बचेंगे ही नहीं, क्योंकि 17 में सेलेक्ट हो गए। और शायद यही वजह है कि आपने जो मार्क्स कमेंट किए थे उनमें 1000 कैंडिडेट्स में केवल 4 कैंडिडेट्स के मार्क्स टीयर टू के बाद 550+ थे। फिर भी इन ए वर्स्ट सिचुएशन हम ये मान लेते हैं कि 2018 में 300 कैंडिडेट्स बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट थे और उन्होंने 2018 में टीयर टू को क्वालिफाई किया और उनके मार्क्स 600+ बन रहे हैं। हम ये मान लेते हैं कि 2018 में 300 ऐसे फ्रेश कैंडिडेट थे जिनके मार्क्स 600+ बन रहे हैं। तो 2018 में टॉप 4 पोस्ट देख लीजिए आप, कितने पद हैं? इनकम टैक्स के 129 हैं, एमईए के 90 पद हैं, रेलवे के 61 हैं, एईओ के 53 पद हैं। इन्हीं 4 को आप जोड़ लीजिए तो 333 पद बनते हैं। तो टॉप रैंक से शुरू करके जिस कैंडिडेट की रैंक 333 होगी, उसके मार्क्स जो हैं वो 595 और 600 के बीच ही तो होंगे। और अभी सीएसएस के 955 पद तो रह ही गए। अब एनालिसिस करेंगे कि 550 और 600 के बीच कितने कैंडिडेट्स हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, और उसके आधार पर बचे टॉप 6 पोस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि टॉप 4 पोस्ट के तो 600+ में सेलेक्ट हो गए ना। भाई एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि 600+ वाले हमने मान लिया कि 300 कैंडिडेट्स हैं और 333 जो है वो वैकेंसीज बच रही हैं, तो जो टॉप से शुरू करेंगे 333 तक आएंगे तो वो 600 से नीचे ही तो जाएगा ना। तो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट इन टॉप 4 पोस्टों में उसके जो मार्क्स होंगे वो 595 टू 600 के बीच होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक झलक ईबुक के भी दिखा देता हूं, और आप देखिए कि आपके लिए वो कितनी हेल्पफुल होने वाली है। देखिए ये है वो ईबुक जिसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया है और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखिए इसमें जो है भारतीय राज्य और लोक नृत्य, पूरे स्टेट वाइज भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस जो हैं वो मैंने सभी राष्ट्रीय दिवस इसमें टेकअप कर लिए हैं, कोई भी नहीं छोड़ा है। सारे राष्ट्रीय दिवस इसमें आपको मिल जाएंगे और इसको आप देख लीजिए। इसके बाद आप देखिए इसमें जो है नेक्स्ट आता है सूचकांक 2019, बिल्कुल करंट जो सूचकांक 2020 का भी मैंने इसमें और 19 के सभी टेकअप कर लिए हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैंने सब टेकअप कर लिए हैं जितने भी हुए हैं। शिखर सम्मेलन देखिए जितने हैं वो सारे मैंने टेकअप कर लिया है। प्रमुख बंदरगाह जो हैं वो सब हैं।
भारत के हवाई अड्डे जितने हैं वो सब हैं, जनगणना से महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो मैंने टेकअप कर लिए हैं, और जनगणना से जुड़ी और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, इस तरह के जो भी हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं, और कुछ अन्य तथ्य भी मैंने जो है इसमें दिए हैं, बहुत ही आपके लिए उपयोगी होंगे। इसके बाद देखिए जो है मैंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय इसमें सब टेकअप किए हैं, सभी आपको एक तरफ से मिल जाएंगे, और शहरों के पुराने और नए नाम इसमें सब मैंने दे दिए हैं। इसके बाद इसमें देखिए मैंने जो है वो भी दिया है कि जो इनके उपनाम है, जैसे जयपुर का गुलाबी शहर कहते हैं, बेंगलुरु गार्डन सिटी कहते हैं, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चर्चित पुस्तकें और उनके लेखक, ये सभी इसमें कवर कर दिए हैं। इसके बाद प्रमुख योजनाओं के ब्रांड एम्बेसडर आ गए इसमें सब जो है, इनसे प्रश्न बनते हैं और ये सभी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद प्रमुख सरकारी योजनाएं जो है जितनी हैं वो सब मैंने इसमें टेकअप कर लिया है, वो सभी की सभी प्रमुख योजनाएं आप इसमें से देख सकते हैं, और इनसे पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में इनसे पूछा जाता है, पूरा डिटेल मैंने इसमें दे रखा है। इसके बाद देखिए यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के सभी विश्व धरोहर स्थल जो हैं वो सब के सब मैंने इसमें इसमें किस क्यों प्रसिद्ध हैं और कब इनको जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया, ये सब मैंने इसमें पूरा दे दिया है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य हैं, और इसके बाद देखिए जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले हुए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इनसे एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है, देयर आफ्टर नोबल पुरस्कार, भारत रत्न पद्म विभूषण, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बुकर प्राइज, मैन बुकर इंटरनेशनल, और इसके बाद दिया है मैंने भारत में प्रथम, इनसे पूछा जाता है, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला अमृता प्रीतम, और इसके बाद देखिए इसी तरह से जो है जैसे प्रथम हृदय प्रत्यारोपणकर्ता सफल सर्जन डॉक्टर वेणुगोपाल पी, तो इस तरह के जो भी प्रश्न हैं वो भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार या प्रथम विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड रीता फारिया, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें भारत के जो प्रथम हैं वो सब मैंने इसमें दे दिए हैं। तो ये ई बुक जो है आपके लिए मैंने अपलोड कर दिया है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कुल 49 पेज की ये ई बुक है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए, और पढ़ने के बाद मुझे बताइए इसमें और आपको जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं। और दूसरी बात जो है मैं आपके लिए सीजीएल 2018 का साल पेपर भी जो है तैयार कर रहा हूँ, और वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, उसे भी आप देखिएगा, और इसके बाद जीएस पार्ट 2 मैं हिस्ट्री पर तैयार कर रहा हूँ वो भी अपलोड करूँगा, और आप देखिएगा कि उसमें आप सजेस्ट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ई बुक आपको कैसी लगी, और दूसरी बात ये है कि हिस्ट्री में किन किन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं स्टडी मटेरियल, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि 500 और 550 और 600 के बीच कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने वैकेंसीज हैं और उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए सोशल मीडिया पर ये बताया जा रहा है कि 500+ मार्क्स टीयर 2 में प्राप्त करने वाले लगभग 4800 कैंडिडेट्स हैं। वैसे ये बहुत ही अमेजिंग फिगर है, क्योंकि टीयर 2 की जो कट ऑफ थी वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद बनाई गई है, और कट ऑफ से 70-80 नंबर प्लस करना, 100 नंबर, 110 नंबर प्लस करना कोई हंसी खेल नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, तो ये फिगर विश्वसनीय तो नहीं लगती है। लेकिन चलिए हम इसी को बेस मान करके चलें, तो फिर हम 2017 की ओर बैक होते हैं। जिन कैंडिडेट्स के सिलेक्शन 2017 में एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर या एग्जामिनर के पद पर हो चुका है, वे 2018 में कंटेस्ट क्यों करेंगे? इतनी अच्छे पोस्ट को छोड़ करके वो 2018 में फिर से कंटेस्ट करने क्यों आएंगे? और ऐसे कैंडिडेट की संख्या टोटल 1700 है।
1700 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि 2017 में टॉप 10 में से टॉप 6 पोस्टों पर सेलेक्ट हो चुके हैं। टॉप 4 पोस्टों की तो मैंने जो 600 प्लस वाले थे उनकी ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो 1700 आप माइनस कर दीजिए तो बचते हैं 3500 कैंडिडेट, और रिमेनिंग जो 6 टॉप पोस्टें हैं उनके पदों की संख्या कितनी है, 3071 है। 3071 पोस्टें हैं, 3500 ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स बचते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली जो है 560 प्लस मार्क्स पर जो है सिलेक्शन इन टॉप 6 पोस्टों में हो जाएगा। अब किस पोस्ट का सिलेक्शन कितने मार्क्स पर होता है इसके बारे में मैं 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ, बाकी भी आप चाहेंगे तो मैं और भी वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा कि किस पोस्ट का कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ बनती है। ये वीडियो तो मैंने सोशल मीडिया पर फैले हुए तमाम कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए अपलोड किया है, जबकि वास्तविक स्थिति वही रहने वाली है जिसका मैंने प्रिडिक्शन पिछले वीडियो में किया है। फिर भी अगर हम जो बताया है उसको मान करके भी चलें तो भी 560 प्लस मार्क्स पर टॉप 6 पोस्टों का और 600 प्लस पर टॉप 4 पोस्टों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये टॉप 10 पोस्टों का मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स को शेयर कर दीजिएगा, और ईबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उससे आप उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिएगा, और आपके सजेशंस इनवाइटेड हैं। आप कमेंट करके बताइए कि और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और नेक्स्ट मैं आपके लिए एक हिस्ट्री की ईबुक भी तैयार करने वाला हूँ, उसे भी आप देखिएगा, उससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू।